अंबेडकर ने, नेहरू ने सपना देखा था कि जो संविधान बनेगा उसमें जो बराबरी का अधिकार दिया गया है, वो स्त्रियाँ हों, वो माइनॉरिटीज हों, वे दलित हों, पिछड़े हों, वे सवर्ण हों, सबके बराबर के हकूक होंगे। हमें लगता है कि जानबूझकर पिछले कुछ सालों में माइनॉरिटीज़ को, दलितों को और महिलाओं को दबा कर रखा जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है। हम इसकी निंदा करने के लिए हुए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तान सबका है। इस हिंदुस्तान पर जितना अधिकार देना चाहिए योगियों और मोदियों का है, उतना ही अधिकार यहाँ पर आम आदमी का है, राजनीतिक आदमी का है। हम ये कहने के लिए आए हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम इस संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेते हैं। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उस संविधान ने हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया है। हमारे बोलने की आज़ादी, हमारी लिखने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी तभी बचेगी जब लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा। इसलिए आज के दिन पर हमें संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया है, और हम आगे भी अपनी लड़ाई इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखेंगे।